हर ट्रैवलर का सपना होता है गौमुख तपोवन की यात्रा, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए आज मैं जाने वाली थी उत्तराखंड के मुश्किल ट्रैकों में से एक गौमुख तपोवन के ट्रैक पर। गंगोत्री ग्लेशियर के एक छोटे से कोने गौमुख से शुरू होने वाली पावन नदी गंगा के दर्शन हो, या फिर बड़े बड़े पत्थरों से भरे इन खतरनाक ग्लेशियर के रास्तों को पार कर तपोवन तक की यात्रा। महादेव के इस तपस्थली तपोवन में ठीक सामने खड़ी हिमालय की शिवलिंग, भागीरथी और मेरु जैसे पीक्स के दर्शन हो, या फिर महीनों बर्फ से ढके इस वीरान जगह पर अकेले रहने वाले मौनी बाबा जी की कुटिया में मेरे रुकने और खाने का एक्सपीरियंस। कई फिजिकल व मेंटल चैलेंजेस से भरा है धरती के इस स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता। गौमुख तपोवन के लिए मैं पहली शाम गंगोत्री धाम पहुंच गई। अगली सुबह मैं गंगोत्री मंदिर के ठीक सामने आ गई, और यहीं से कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही शुरू हो जाता है गौमुख तपोवन ट्रैक। गौमुख तपोवन का ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है, और एक बार जो है गंगा मैया का नाम ले लेते हैं। जय माँ गंगे। तपोवन ट्रैक के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्पेशल परमिट लेकर एक गाइड के साथ ही ट्रैक करना होता है, जो कि आपको एक एजेंसी के थ्रू ही मिलता है। मैंने जिस एजेंसी के थ्रू गौमुख तपोवन का परमिट लिया, वह एजेंसी है मिस्टर सौरभ की, जो कि इस ट्रैक में मेरे गाइड भी होने वाले थे। सौरभ की टीम के ही एक दूसरे मेंबर महेंद्र हमारे पोर्टर थे, जो कि इस डिफिकल्ट ट्रैक में हमारा सामान कैरी करने वाले थे। सीढ़ियों का रास्ता अब खत्म हो चुका है और अब शुरू होता है जंगल का रास्ता, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस ट्रैक को। सुबह 8:30 बजे हमने गंगोत्री से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। हमारा आज का प्लान भोजवासा तक पहुंचना था, जो गंगोत्री से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, और फिर अगले दिन 8 किलोमीटर का डिफिकल्ट ट्रैक कर गौमुख से होते हुए तपोवन पहुंचना था। यहां पर आपको पूरी गंगोत्री घाटी चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी दिखाई देगी। चारों तरफ जो है मेनली आपको यही पेड़ नजर आएंगे। गंगोत्री से निकलकर जब आप इन रंग बिरंगे जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी आपको एहसास होने लगता है कि आप एक खास ट्रैक पर हैं। थोड़ी देर बाद ही आपको ठीक सामने घाटी में भागीरथी नदी बहती दिखने लगती है। गौमुख तपोवन के इस पावन ट्रैक पर पाइप से लीक होता पानी भी आपको इंद्रधनुष के दर्शन कराता है। गंगोत्री से मैं अब लगभग 1 किलोमीटर दूर आ गई थी, और यह लास्ट पॉइंट था जहां की आपको मोबाइल में नेटवर्क मिलते हैं। इसके बाद अब अगले 4 दिनों तक मैं मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट से दूर होने वाली थी। इमरजेंसी में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ग-
गंगोत्री से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क का एंट्री गेट, और यहाँ पे जो है आपका परमिट चेक होता है। परमिट के चार्जेस होते हैं 150 रुपये पर पर्सन, और साथ ही यहाँ पे चेक होता है कि आपके बैग में कितना प्लास्टिक मटेरियल है। अपना परमिट चेक करवाने के बाद अब एक बार फिर से मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। सौरभ व महेंद्र ट्रैक में थोड़ा आगे चल रहे थे और मैं व्यूज को एंजॉय करते हुए पीछे चल रही थी, और जाने की कोई जल्दी भी नहीं थी क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा हुआ था और मौसम भी क्लियर था। मेरे गाइड ने इस ट्रैक के लिए कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी कि जो मैंडेटरी है कि अपने साथ लेकर ही जाओ। पहले हो गए गॉगल्स, क्योंकि जो है सूर्य की किरणें सीधे आपके आंखों पे पड़ती है तो आगे दिखाई नहीं देता कुछ, तो इसलिए जब भी आप इस ट्रैक पे आते हैं गॉगल्स ज़रूर कैरी करें। गंगोत्री से निकलने के बाद कुछ किलोमीटर का ट्रैक सेम ही है, जहां एक तरफ आपके बाईं ओर बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने हैं, तो वहीं दाहिनी तरफ कभी भागीरथी नदी तो कभी रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिखते रहते हैं। गंगोत्री से लगभग 3 किलोमीटर बाद दिखने लगते हैं छोटे छोटे जंगली फल, जो कि अभी इस मौसम में भरपूर मात्रा में लगे थे। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक मेरा हो चुका है और अब सामने जो है नज़ारे एकदम खुल गए हैं। यहाँ से पत्थरों का ही पत्थरों का रास्ता दिख रहा है और पेड़ जो है यहाँ से कम हो गए हैं, और साथ में जो है आपको भागीरथी नदी का जो है खूबसूरत सीन जो है नज़र आ रहा होगा। गंगोत्री से लगभग 4 किलोमीटर बाद आती है देवगाड़ नाम की जगह, जहां पहाड़ी से एक बड़ा वाटर स्ट्रीम निकलता है और इसे क्रॉस करने के लिए एक टेम्पररी लकड़ी का पुल बनाया गया है। देवगाड़ क्रॉस करते ही दूर से दिखने लगता है गौमुख ट्रैक की एक खास जगह, जिसे चीड़बासा कहते हैं। चीड़बासा इस ट्रैक का एक मेन रेस्टिंग पॉइंट है। सौरभ गंगोत्री से ही अपने साथ कुछ सेव रखकर लाए थे, जो कि हमारा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला था। देवगढ़ के 2 किलोमीटर बाद अब आती है भांगुलबास नाम की जगह। भांगुलबास के बाद व्यूज बेहद ही खूबसूरत हो जाते हैं। और थोड़ा आगे निकलते ही इस ट्रैक पर पहली बार दर्शन होते हैं हिमालय की भागीरथी पीक के। लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और मैं बस पहुंचने ही वाली हूं इस ट्रैक के एक मुख्य पड़ाव पे, जो है चीड़बासा, और यहाँ से आपको एक झलक दिख रही होगी वो दूर। चीड़बासा से थोड़ा पहले ही आपको एक छोटी सी नदी क्रॉस करनी होती है, जिसके लिए एक लकड़ी का पुल बनाया गया है। इस जगह पे आपको चीड़ के पेड़ जो है बहुत ज्यादा दिखाई देंगे और इसी वजह से इसका नाम चीड़बासा पड़ा है।
बड़े बड़े पत्थरों से गुजरते हुए अब आप पहुंच जाते हैं चीड़बासा। तो चीड़बासा में मैंने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया है और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है पहाड़ों वाली मैगी। चीड़बासा में बस एक ही दुकान है जहाँ आपको खाने व रहने का मिल जाता है। खाने में यहाँ बस आपको मैगी और पराठे ही मिलते हैं। चीड़बासा के पास ही भागीरथी के किनारे कैंपिंग भी होती है। आप चाहें तो अपना खुद का कैंप भी लगा सकते हैं। सौरभ ने बताया कि यहाँ से सनराइज और सनसेट के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। अब चीड़बासा से एक बार फिर मैंने अपने आज के नेक्स्ट डेस्टिनेशन भोजवासा के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। सामने पहाड़ों पर अब थोड़ा थोड़ा बर्फ दिखने लगी थी। नीचे घाटी में भागीरथी नदी बहती दिख रही थी और ट्रैक के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल पौधे दिन के इस कड़क धूप में भी आंखों को एक अलग ही ठंडक दे रहे थे। चीड़बासा से 2 किलोमीटर बाद ट्रैक पर आते हैं कई कच्ची मिट्टी और पत्थर के पहाड़। इनमें से 2 छोटे पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे कि 2 द्वारपाल हों और भोजवासा के लिए आपका स्वागत कर रहे हों। ये कच्चे पहाड़ देख ऐसा लग रहा था कि अगर गलती से भी ये टच हो गए तो ये ढहकर आपके ऊपर आ जाएं। भोजवासा के 2 किलोमीटर पहले आपको अब भोजपत्र के वृक्ष दिखने लगते हैं। भोजपत्र के नाम पर ही इस जगह का नाम भोजवासा पड़ा है। इस ट्रैक में आगे अब जहां एक तरफ आपको दाईं ओर दिखते हैं रंग बिरंगे फूल पौधों की बड़ी बड़ी क्यारियां और घाटियां, वहीं बाईं तरफ ट्रैक थोड़ा रिस्की पार्ट से होकर गुजरता है और ट्रैक के इस हिस्से को कहते हैं गीला पहाड़ या कच्चा पहाड़। गीला पहाड़ का यह 200-300 मीटर का रास्ता एक लैंडस्लाइड जोन है जहां ऊपर से पत्थर मिट्टी गिरकर नीचे ट्रैक पर आते रहते हैं। इस सिचुएशन को और खतरनाक बनाते हैं ऊपर पहाड़ पर घास चरने वाले जंगली भरण। इन्हें हिमालयन ब्लू शीप भी कहा जाता है। घास चढ़ते ही ऊपर से कब कोई पत्थर नीचे गिरा दें इसका कोई भरोसा नहीं होता। गीला पहाड़ से अब भोजवासा बस 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह जाता है जिसका अधिकतर रास्ता फ्लैट है। भोजवासा से 300-400 मीटर पहले एक बड़े पत्थरों से भरा पहाड़ आता है और इस पहाड़ पर बहती एक वाटर स्ट्रीम को क्रॉस करते ही आप पहुंच जाते हैं भोजवासा के ठीक सामने।
गौमुख तपोवन के ट्रैक में आपका पहला नाइट का स्टे भोजवासा में ही होता है। यहाँ रहने के लिए टोटल 3 ऑप्शंस हैं। पहला है राम बाबा का आश्रम, दूसरा है लाल बाबा का आश्रम और तीसरा है गढ़वाल मंडल के बेड और टेंट्स। मैं गढ़वाल मंडल के ही एक टेंट में रुक गई। इस टेंट में टोटल 8 बेड थे। शाम को 5 बजे बाद यहाँ तेज बारिश होने लगी और ठंड भी काफी बढ़ गई और 8 बजे हम डिनर करके सो गए। अगली सुबह 6 बजे हम गौमुख तपोवन के लिए रेडी थे। मौसम क्लियर था और बर्फ से भरी पहाड़ियां धूप में चमक रही थी। जल्दी रेडी होने के बावजूद हम 8 बजे से पहले भोजवासा से आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि गौमुख तपोवन के लिए हमें भागीरथी नदी क्रॉस करनी थी और यह नदी बस एक छोटे से ट्रॉली से ही पार कर सकते थे जो कि 8 बजे बाद खुलता है। मैंने ट्रॉली पार कर ली है और अभी जो मेरे पोर्टर भैया और गाइड भैया अभी वो उस साइड हैं तो वो भी जो है जल्दी आएंगे और तब हम शुरू करेंगे यहाँ से गौमुख और तपोवन का ट्रैक। और क्रॉस करते ही आपको जो है पूरी ये घाटी फूलों से ढकी नजर आएगी। लाल पीले कलर के फूल जो है दूर दूर तक फैले हुए हैं। थोड़ी देर बाद महेंद्र ने भी ट्रॉली से निकली एक रस्सी पर लटक के नदी क्रॉस कर ली। साढ़े 8 बजे के आसपास हमने अब अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। जय मां गंगे। आज का ट्रैक बहुत ही एडवेंचरस होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी होने वाला है तो देखती हूँ कि गौमुख और तपोवन का ट्रैक कितना टफ है। ये रास्ता जा रहा है सीधा गौमुख और तपोवन की तरह। अपने आसपास की हरियाली और फुलवारी देख अभी इस ट्रैक पर आने के अपने प्लान से मैं काफी खुश थी क्योंकि बाद में इस ट्रैक के काफी एरियाज रूखे सूखे नजर आने लगते हैं। ट्रैक के ठीक सामने भागीरथी की 3 पीक्स नजर आ रही थी। हमें अभी पहले 4 किलोमीटर का ट्रैक कर गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर पहुंचना था और फिर वहां से 3-4 किलोमीटर का फिर डिफिकल्ट ट्रैक कर तपोवन जाना था। गौमुख की तरफ बढ़ते हुए पीछे बैकग्राउंड में बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ और उसकी तलहटी पर भोजवासा के कुछ आश्रम बड़े ही अनोखे लग रहे थे। ये दृश्य यह भी एक मिरेकल ही है कि छोटे बड़े पत्थरों से भरी यह जगह बिना किसी जंगल या पेड़ के बगैर भी इतनी खूबसूरत और अद्भुत लगती है। ट्रैक पर जहां भी मौका मिलता मैं खड़े होकर आसपास के नजारे देखने लगती।
ट्रैक में अब कई फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स पार करने होते हैं जो आसपास के ग्लेशियर से निकलकर आते हैं। भोजवासा से 2 किलोमीटर ट्रैक के बाद हमने अपना फर्स्ट रिंग ब्रेक लिया। सौरव तपोवन ट्रैक की कुछ डिफिकल्टीज शेयर करने लगे। इस पॉइंट से दूर थोड़ा गौमुख की झलक भी दिखने लगी थी। तीन किलोमीटर ट्रैक के बाद अब होते हैं पहले दर्शन शिवलिंग पर्वत के, जिसे कि आज मैं तपोवन पहुंचकर और नजदीक से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। गौमुख तक पहुंचने का लास्ट 200 मीटर का रास्ता बहुत पथरीला है, जिसमें आपको बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ उतर कर गौमुख तक पहुंचना होता है। जो जो मैं गौमुख के नजदीक पहुंच रही थी, गंगोत्री ग्लेशियर का यह छोटा सा कोना बहुत विशालकाय नजर आ रहा था। फाइनली 18 किलोमीटर के ट्रैक और गंगोत्री से निकलने के 1.5 दिन बाद मैं पहुंच चुकी थी गौमुख के सामने। कहते हैं कि ये ग्लेशियर गाय के मुंह जैसा दिखता था और इसी वजह से इसका नाम गौमुख पड़ा। गौमुख से निकलकर माँ गंगा भागीरथी कहलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा की तपस्या की और इसके बाद ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और इसीलिए माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गौमुख के सामने बैठ ग्लेशियर के अंदर से भागीरथी नदी को बहता देखना बड़ा ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। ग्लेशियर के अंदर आप बर्फ की चट्टानें देख सकते हैं। अभी गौमुख पर हम थोड़ा देर ही रुके क्योंकि हमें तपोवन के लिए ट्रैक कंटिन्यू करना था। पहली बार गौमुख से जब सौरभ ने मुझे तपोवन ट्रैक का रास्ता दिखाया तो थोड़ा डर जरूर लगा, क्योंकि इसका रास्ता एक खड़े ग्लेशियर से होकर जा रहा था जो कि पूरा बोल्डर वाला एरिया था। बड़े बड़े पत्थरों के बीच रास्ता ढूंढकर तपोवन की तरफ जाना होता है, जो कि बिना गाइड के पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अब थोड़ा हिम्मत करके मैंने गौमुख से तपोवन के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दी। ऊपर चलते हुए यह रियलाइज करना भी एक एडवेंचर ही था कि जिस मिट्टी और पत्थरों के ऊपर हम चल रहे हैं, इनके नीचे पूरी बर्फ की चट्टाने हैं। थोड़ा ऊपर चलने पर नीचे पूरा गौमुख का हिस्सा दिख जाता है। इस लो ऑक्सीजन एरिया में 15-20 कदम चलते ही सांस फूल जाती है और हर 2-3 मिनट बाद रेस्ट करना पड़ता है।
रेस्ट के लिए बैठना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता कि कब ऊपर से कोई पत्थर लुढ़क कर आपके ऊपर आ जाए। गौमुख से लगभग 2 घंटे इस ग्लेशियर एरिया में ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं इसके अंतिम छोर पर, और यहीं से स्टार्ट होती है तपोवन की खूबसूरत वैली। तपोवन पहुंचने पर यहां के रंग बिरंगे घास व फूल के अलावा आपका स्वागत करते हैं यहाँ चारों तरफ फैले विशालकाय हिमालयन श्रृंखलाएं, जैसे मेरु, शिवलिंग, भागीरथी आदि। तपोवन वैली एक्सप्लोर करने से पहले मैं जाना चाहती थी उस जगह जहाँ हमारा आज का नाइट स्टे होने वाला था, और वह जगह थी यहाँ के फेमस मौनी बाबा जी की कुटिया, जो अभी भी आधा किलोमीटर दूर थी। कुटिया पहुंचने पर मौनी बाबा ने सबसे पहले तो एक गर्मा गर्म चाय पिलाई और फिर आधा घंटे बाद खिचड़ी खिलाई। लंच के बाद मैं धूप सेकते हुए बाहर के नजारे देखने लगी। जो खाना बचता है महाराज जी उसे बाहर पक्षियों के लिए एक पत्थर पर रखवा देते हैं। लंच के बाद सौरभ व महेंद्र ने कुकर और बाकी के बर्तन धो दिए। खुशकिस्मती से मौनी बाबा अभी मौन व्रत में नहीं थे, तो थोड़ी देर बाद महाराज जी के साथ बातों का सफर शुरू हो गया। दो दिन मैं वहां रुकी और हर समय वह मुझे कंचन गंगा के नाम से बुलाते। मौनी बाबा ने अपने मेन कुटिया के बगल में ही एक छोटी सी कुटिया और बनाई थी, जो उन्होंने रुकने के लिए मुझे दे दी। शाम 4 बजे मैं तपोवन घूमने के लिए निकल गई। तपोवन में एक छोटी सी नदी बहती है जिसे शिव गंगा या आकाश गंगा कहते हैं। यह नदी हिमालय के शिवलिंग ग्लेशियर से निकलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी तपोवन घाटी में घूम रही हूँ। जो मौनी बाबा जी का आश्रम है उससे मैं थोड़ा नीचे की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पे जो है मैं इवनिंग वॉक ले रही हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे शिवलिंग पर्वत, जो कि पूरी तरह से अभी बादलों से ढक गया है। चौदह हजार फीट की हाइट पर ग्लेशियर्स की बर्फीली हवाओं के बीच शिव गंगा नदी के मंद मंद बहने की आवाज के साथ यहाँ घूमना एक एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन सा फील हुआ। दूर तपोवन के मैदान में कुछ दूसरे टेंट्स भी दिख रहे थे। पोलैंड से कुछ भक्त मौनी बाबा जी से मिलने आए थे, तो बाबा जी उनके साथ कुछ फोटो खिंचाने लगे। शाम को आरती के बाद बाबा जी ने हमें डिनर के लिए बुला लिया।
रात में उजाले के लिए बाबा जी ने सोलर से चलने और कुछ धूप से चार्ज होने वाले लैंप व बल्ब लगाए थे। डिनर में मौनी बाबा जी ने मूंग की दाल, आलू की सब्जी, रोटी और चावल बनाए थे। इस हाइट पर जहां एक छोटी सी चीज भी गंगोत्री से मंगानी पड़ती है, यह किसी लग्जरी से कम नहीं था। रात 10 बजे मैं सो गई। सुबह 6 बजे उठी तो वहां की खूबसूरत सुबह को देख मंत्रमुग्ध हो गई। अभी थोड़ा कोहरा लगा था, लेकिन इसके बावजूद आसपास के हिमालयन श्रृंखलाओं पर पड़ रही धूप में ये सारी पीक जगमगा रही थी। इतने करीब से शिवलिंग पर्वत के इतने क्लियर दर्शन इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत पार्ट लगा। शिवलिंग पीक के बगल में खूबसूरत मेरु पर्वत के दर्शन होते हैं। काफी हिमालयन पीक्स मैंने कई हिल स्टेशन और कुछ ऊंची जगहों से देखे, लेकिन मेरु पर्वत को सबसे पहले इसी ट्रिप पर देख रही थी। सात बजे मौनी बाबा जी ने हमें नाश्ते के लिए बुला लिया। ब्रेकफास्ट में उन्होंने चाय, खीर और मैगी बनाई। ब्रेकफास्ट के बाद एक घंटे मैं तपोवन में घूमती रही। यहां से दिखने वाले व्यूज से आपका मन कभी नहीं भर सकता। इसके बाद मैंने मौनी बाबा जी के साथ कुछ फोटो खिंचवाई और फिर उनका आशीर्वाद लेकर वापस आने की तैयारियां की। मौनी बाबा जी पूरा साल यहीं रहते हैं। नवंबर में यहां ट्रैक बंद हो जाता है। उसके बाद नवंबर से मई तक इस बर्फ से भरी जगह पर अकेले रहना भी किसी तपस्या से कम नहीं। आठ बजे हमने तपोवन से भोजवासा के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया। तपोवन ट्रैक का प्लान मैंने पिछले 2 सालों में न जाने कितनी बार बनाया, लेकिन हमेशा इस ट्रैक की कठिनाई का सोचकर यह ट्रैक कैंसिल कर दिया करती थी। अब जब इस ट्रैक को पूरा कर वापस जा रही थी तो यहाँ के हर एक सेकंड को मन में कैप्चर कर लेना चाहती थी। बीच बीच में रुककर मैं आसपास के दूसरे हिमालयन पीक्स को पहचानने की कोशिश करती। अब समय था एक बार फिर गौमुख के ऊपर के ग्लेशियर के पत्थरों को पार कर नीचे आने। सौरभ ने बताया कि नीचे उतरने का यह सबसे बेस्ट टाइम होता है। दिन के तेज धूप या बारिश के समय यह ग्लेशियर का पार्ट काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि कब कहां से मिट्टी ढीली हो जाए और पत्थर गिरने लगे। लगभग 9 बजे फिर एक बार हम पहुंच गए गौमुख के पास और थोड़ा देर रुकने के बाद हमने भोजवासा के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया।
11 बजे ट्रॉली पार कर अब हम भोजवासा में राम बाबा के आश्रम में आ गए। यहाँ पर एक टी ब्रेक के बाद हम वापस गंगोत्री के लिए ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे। पिछली रात ऊंची जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, तो पहाड़ की चोटियों पर दिन के धूप में बर्फ चमकती दिख रही थी। दिन के 3-4 बजे के आसपास मैं वापस गंगोत्री धाम पहुंच गई।